गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप महिंद्रास में आपका स्वागत है। जो हमारे अभी एसएससी सीजीएल के लिए जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें पॉलिटी के लेक्चर्स आ रहे होंगे, ज्योग्राफी के लेक्चर्स आ रहे होंगे, और आज हम मैथ की दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले रखा है सर्कल वाले पोर्शन पे। सर्कल का एक छोटा सा कंसेप्ट था जिस पर आपको प्री के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योमेट्री की एक दूसरी सीरीज पे काम करने वाले हैं, जिसमें आपको याद रखना है एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, आप ये बिल्कुल याद रखें। सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, चाहे जैसा आ जाए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा काम करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट हो सकते हैं ना, सारा कंसेप्ट मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा। उसके बाद हम 6 से 7 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप जरा देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है, जिसका जो मेन है वो है सिमिलर। वो क्या है आपका? सिमिलर, ठीक है ना, क्या है वो? सिमिलर। अगर हमसे बोला जाए किसी भी फिगर में, किसी भी फिगर को हम सिमिलर कब बोलते हैं, किसी भी फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ये देखिएगा ध्यान से, एक डायग्राम बनाया मैंने ट्रायंगल का एबीसी, और एक डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया और इसको मैंने लिख दिया डी ई और एफ, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये सिमिलर फिगर क्या होता है, तो आप उसको एक बार में समझा सकते हैं। सिमिलर फिगर का मतलब होता है, दो वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं, एक वर्ड याद रखना है आपने सेप, और एक वर्ड आपने याद रखना है साइज, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो सेप है वो तो सेम है, और जो साइज है वो तो क्या है आपकी? डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी फिगर सिमिलर फिगर कब कहा जाएगा? जब उसका सेप क्या हो जाए आपका? सेम हो जाए, और जो साइज हो जाए आपकी वो क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो पहले तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे, कोई भी फिगर सिमिलर फिगर कब कहा जाएगा? जब उसका शेप सेम हो और साइज क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। वैसे सिमिलर ऑफ ट्रेंगल की बात अगर हम करें, तो सिमिलर ऑफ ट्रेंगल का मतलब आप देखो ध्यान से, दो फिगर मैंने आपको ट्रेंगल की बता रखे हैं, जिसमें शेप जो है वो सेम है और जो साइज है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल पर वो आपके सामने दो क्वेश्चंस लगाएगा। पहले क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन में तो क्या बोलेगा कि भाई जो ट्रेंगल ए बी सी है, जो ट्रेंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे बोला जाएगा ट्रेंगल ए बी सी है और एक ट्रेंगल डी ई एफ है, आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। सिमिलर क्या करना होगा जी? प्रूफ करना होगा। बात समझ में आ गई? एक में तो वो बोल देगा कि भाई सिमिलर है, तब तो बहुत अच्छी बात है, और एक में हमें क्या बोलेगा कि सिमिलर को पहले आप सिमिलरिटी प्रूफ करिए और उसके बाद रिजल्ट लगाइए। ठीक, तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल से बनते हैं, आपको ये याद रखना है। टाइप पहला बनता है कि या तो वो क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि भाई ये दोनों के दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, और दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि आपको उसमें सिमिलरिटी दिखेगी नहीं, पहले आप उसमें सिमिलर प्रूफ करिए और फिर सिमिलरिटी की कंडीशन लगाइए। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज हम जो क्वेश्चंस लगाने वाले हैं वो सारे के सारे टाइप फर्स्ट पे लगाने वाले हैं। जो हम क्वेश्चंस आज लगाने वाले हैं वो सारे के सारे किस पे लगाने वाले हैं? टाइप फर्स्ट पे लगाने वाले। ठीक है, चलिए फटाफट जर्नी स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक ट्रेंगल है आपके सामने ए बी सी, और एक ट्रेंगल मैंने आपके सामने ले लिया मान लीजिए पी क्यू आर या डी ई एफ ले लेता हूं, ठीक है। अगर मुझसे बोला जाए कि ये दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है। सी देखिए, ये जो कंडीशन होती है, ये जो मैंने साइन लगाया है, सिमिलर का साइन लगाया होता है। अगर ये दोनों के दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो यहां से दो रिजल्ट सामने आते हैं हमारे,
और उन्हीं रिजल्ट को आपको याद रखना है और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है ना। दो रिजल्ट सामने आते हैं। पहला रिजल्ट सामने ये कहता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ डियर कि जो इसका एंगल ए है ना वो इसके एंगल डी के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, जो एंगल बी है आपका वो किसके बराबर होने वाला है, आपका एंगल ई के बराबर होने वाला है। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। और ऐसे ही एक तीसरा रिजल्ट मैं अगर आपके सामने लिखूं तो तीसरा रिजल्ट आप क्या कहोगे कि जो एंगल सी है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि करेस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो सेम प्रपोर्शन में होती है। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। पहली बात मैंने क्या बोला है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने क्या बोली हुई है कि जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ होगी, जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम प्रपोर्शन में होगी, ठीक है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं बार बार बोल रहा हूं उसमें आप लिख भी सकते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ होगी वो सेम प्रपोर्शन में होगी। करेस्पॉन्डिंग लेंथ का क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। करेस्पॉन्डिंग लेंथ का क्या मतलब है, जो ये दो एंगल आपस में इक्वल है ना डियर, इनके आमने सामने वाली जो साइड होती है ना वो करेस्पॉन्डिंग साइड होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इनके आमने सामने वाली जो साइड होती है वो करेस्पॉन्डिंग साइड होती है। जैसे एंगल ए के सामने देखिए जरा आप करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो आप बोलेंगे बीसी है, ठीक है ना। अपॉन एंगल डी के सामने कौन सी साइड है, तो आप बोलेंगे एंगल क्या है, ई एफ है, ठीक है ना। एंगल ए के सामने क्या होगी, बीसी होगी, और एंगल डी के सामने क्या होगी, ई एफ होगी, ठीक। ऐसे ही एंगल बी के सामने अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एसी दिखाई दे रहा है। और एंगल ई के सामने अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डीएफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एंगल सी के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है। और एंगल एफ के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे टी ई दिखाई दे रहा है। सेम प्रपोर्शन होने का मतलब होता है कि ये सारी के सारी जो लेंथ है ना ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये सारी के सारी लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें ये दो रिजल्ट दिमाग में रखने हैं हमेशा कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, और जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ होती है आपकी वो सेम प्रपोर्शन में होती है। आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट दिमाग में बैठ गए होंगे, ठीक। अब इन्हीं के बेस पर अब ऐसा नहीं कि एसएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा। अब एसएससी यहां से क्या करता है ना कि कई सारे रिजल्ट बनते हैं, ठीक। उन दोनों रिजल्ट में एक क्वेश्चन फॉर्मेट वो पूछता है एरिया का, और एक फॉर्मेट वो पूछता है आपसे पेरीमीटर का, एल्टीट्यूड का, या दुनिया भर की चीजों का, ठीक है ना। तो आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, कैसे, जरा देखते हैं आगे वाले फॉर्मेट पे चलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक ये ट्रेंगल है एबीसी, और एक ट्रेंगल मैंने ले लिया आपके सामने डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक। तो आप जरा ध्यान से समझिए इस चीज को, ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनको लिखा कैसे जाता है, इनको लिखा कैसे जाएगा। ट्रेंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रेंगल डी ई एफ के। याद रखिएगा लिखने का तरीका है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते सिमिलरिटी, ठीक। वो जो दोनों रिजल्ट है ना वो दोनों के दोनों रिजल्ट यहां पर वेरीफाई होंगे, जरा देखिएगा कैसे, ठीक। देखिए आपने बोला था कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के करस्पॉन्ड होता है, देखिए दिख रहा है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के करस्पॉन्ड होता है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के करस्पॉन्ड होता है, वो यहां पर दिखेगा। जब आप सिमिलरिटी लगाओगे ना तो यहां पर दिखना चाहिए वो, जो दोनों रिजल्ट अभी आपने पीछे प्रूव किया। तो देखिए पहला वाला रिजल्ट तो मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा वाला भी रिजल्ट दिखेगा, जरा दिखेगा कैसे। देखिए आपने लिखा था ए बी, जो ए बी है वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, डी ई के प्रोपोर्शन में होगा। देखिए दिख रहा है ना आपको, ए बी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, डी ई के प्रोपोर्शन में होगा। अगर आप ध्यान से देखें बी सी, देखिए वहां पर लिखा होगा आपने वो ई एफ के प्रोपोर्शन में होगा।
और ऐसे ही आपका जो एसी होगा वो किसके प्रपोर्शन में होगा, डीएफ के प्रपोर्शन में होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा हुआ है, वो अभी आपको स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। ये जो लिखा जाता है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करिएगा। जब आप ये सिमिलरिटी साइन लगा रहे होंगे तो वहां पर वो दोनों रिजल्ट प्रूफ होने चाहिए, ठीक है ना। वो दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए आपके, प्रूफ होने चाहिए और ये कंफर्म होना चाहिए। बिल्कुल याद रखिएगा, जो आप लिखेंगे सिमिलरिटी में वो प्रूफ होकर के दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अभी हमने क्या लिखा था जरा बताइएगा। तो मैंने बोला था क्या कि भाई जो ये आपका लेंथ होगा, जैसे यहां पे जो लिखा हुआ है ए बी, तो आप कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे आप, डी ई इक्वल टू, फिर आप क्या लिखेंगे, बी सी, और अपॉन में आप कितना लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, फिर आप कितना लिखेंगे, ए सी, और अपॉन में आप क्या लिख देंगे, डी एफ लिख देंगे। मैं आपसे कहता हूं ना, आप सारी के सारी न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं, जरा देखिए क्या लिखेंगे आप, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, जो भी आप लिखना चाहें, अपॉन में डी ई प्लस ई एफ, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से गौर करें, अगर आप ध्यान से गौर करें, तो जो ये वाली लाइन आपने लिखी है ना, ए बी बी सी और ए सी, ये इस पहले वाले ट्रेंगल का पेरीमीटर है, ये इस पहले वाले ट्रेंगल का पेरीमीटर है, ठीक है ना जी। और ये देखिए जो दूसरी वाली लाइन आपने लिखी हुई है, इसका मतलब ये दूसरे वाले ट्रेंगल का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। इसका मतलब अगर दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर हैं, तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। वही किसका रेशियो होता है जी, पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, वही किसका रेशियो होता है, पेरीमीटर का भी रेशियो होता है, ठीक। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब सपोज करिए मैंने ए डी एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां पर मान ली, सॉरी ए डी डी तो नहीं, क्योंकि डी तो आपने ले रखा है, तो ऐसा करते हैं कि यहां पे कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने इसको ले लिया एम, ठीक है ना, और यहां पर आपने ड्रॉप कर दिया, और मान लीजिए आपने इसको ले लिया एन, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो मैंने लिखा है अभी आपके सामने ए एम, और जो मैंने ये लिखा है आपके सामने डीएन, इनकी वैल्यू क्या क्या हो, क्या क्या ये हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है वो एग्जाम में आपसे बोले कि ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, क्या बोल दे वो कि एल्टीट्यूड्स हैं, या वो ये बोल सकता है कि ये दोनों के दोनों क्या है आपके, मीडियन है। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या, या वो बोल सकता है कि ये तीनों, ये दोनों के दोनों आपके एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, या वो बोल सकता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। कुछ भी, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना, इसमें से कुछ भी वो बोल सकता है। वो कुछ भी बोले, इनका भी रेशियो वही होगा जो आपका करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। एएम और डीएन जो है आपके, वो एल्टीट्यूड भी हो सकते हैं, मीडियन भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ का, वही रेशियो पेरीमीटर का, और वही एल्टीट्यूड का, वही मीडियन का, वही एंगल का, वही बाइसेक्टर का, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, यही रेशियो उसके भी बराबर होगा जो आपने किसी ट्रेंगल में इन रेडियस ड्रॉ किया होता है। किसमें ड्रॉ किया होता है, इन रेडियस। ये इन रेडियस क्या होता है, अभी आप केवल दिमाग में रखिएगा, आने वाले लेक्चर्स में मैं जरूर समझाऊंगा आपको, ठीक। और यही रेशियो किसके बराबर हो जाता है जी, सर्कम रेडियस के भी बराबर होता है, याद रखना है आपको। यही किसके बराबर होता है आपका, सर्कम रेडियस के बराबर भी होता है, ठीक। तो अगर दो ट्रेंगल आपको सिमिलर दिख गए, तो देखिए इतनी सारी बातें क्लियर होकर के निकल करके आती हैं आपके सामने, कि ए बी जो है वो डी के बराबर, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, जो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होगा, यही एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी होगा, यही मीडियन के रेशियो के बराबर भी होगा, यही एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बराबर भी होगा, यही इन रेडियस के बराबर भी होगा, यही सर्कम रेडियस के बराबर भी होगा, ठीक। और अभी देखिएगा मैं इन्हीं पर कितने सारे क्वेश्चंस आपको लगवाने वाला हूं, ठीक। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो है वो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर है, और बाकी सारे के सारे रेशियो के बराबर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें वो एरिया के बारे में बोल देता है, ठीक है ना। वो आपसे क्या कहेगा कि मान लीजिए ये ट्रेंगल आपने ड्रॉ किया एबीसी, और आपने एक दूसरा ट्रेंगल ड्रॉ किया
जिसको आपने बोल दिया TEF, TEF, ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं आपके, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ठीक है ना, अगर ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, सपोज करिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मान लीजिए AD, और यहां से मैंने एक फिर से D मैंने बोल दिया। आप D कह लें, आप इस चीज को M ले लें, ठीक है ना, आप यहां से क्या ले लें, इस चीज को M ले लें। अगर इस चीज को मैं M ले लूं और इस चीज को मैं क्या ले लूं, N ले लूं, तो अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फटाफट काम कैसे करेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि एरिया बताइए ट्रेंगल ABC का, और एरिया बताइए ट्रेंगल डी ई एफ का, इनका रेशियो क्या आएगा, तो जरा आप ध्यान से देखें। अगर मैं यहां पर एरिया लिखना चाहूं इस ट्रेंगल का, तो मैं बोल सकता हूं कि हाफ इंटू बी सी और इंटू ए एम, ये सभी को पता होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, नहीं, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है ट्रेंगल का एरिया। और यहां पर अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ इंटू ई एफ और इंटू कितना हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप जरा देखिए, हाफ से हाफ तो कट गया, ये जो बी सी बाई ई एफ है, बहुत गौर करना है आपको इस बात पे, जो ये बी सी बाई ई एफ है, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। और आपको याद होगा, अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस अगर आप करें, जो ये लाइन लिखी गई है ना, ए एम अपॉन डी एन, मैंने आपको बोला था कि ये भी करेस्पॉन्डिंग, जो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो करेस्पॉन्डिंग लेंथ का भी होगा, मतलब इसकी जगह पर मैं बी सी बाई ई एफ तो रख ही सकता हूं कि नहीं रख सकता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, देखिएगा पीछे, ए एम बाई डी एन जो है वो बी सी बाई ई एफ के भी बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसका मतलब ये बोला जाएगा कि ये बी सी बाई ई एफ का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको आज से यार ये बात याद रखनी है कि अगर दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है ना, वो करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है जी, स्क्वायर होता है, ठीक है ना, याद रखना है, जो भी एरिया होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आई होप आप लोग को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। एरिया का जो भी रेशियो आएगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर बनेगा, कोई भी चीज आएंगी वो स्क्वायर बनती चली जाएंगी आपकी, ठीक है ना। चलिए अगर हम देखें, तो लास्ट फॉर्मेट में आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद रखना है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो करेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है आपकी वो क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे, हो सकता है मेंस के पेपर में आपसे ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बोला गया है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, बोलता है कि पहले का ट्रायंगल का एरिया 13.5 है और दूसरे वाले का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोलता है BC की लेंथ अगर 3.15 है, तो EF की लेंथ क्या होगी। तो अभी आपको मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दे रखा है आपको, 13.5, आप 13.5 रखिए, अपॉन DEF का एरिया कितना दे रखा है आपको, 24, आप 24 रखिए, ये बराबर होगा। आपको पता है करेस्पॉन्डिंग साइड का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। करेस्पॉन्डिंग साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर BC लिखा हुआ है, अगर यहां पर BC लिखा हुआ है, तो BC के करेस्पॉन्ड में साइड कौन सी होनी चाहिए थी, EF। तो देखिए आपसे उसने EF ही पूछा हुआ है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, 3.15 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, EF, 3.15 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, EF। क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक। बस हमने कुछ नहीं किया, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, बस उसका रेशियो लगा दिया मैंने, एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। और करेस्पॉन्डिंग साइड मैंने कैसे पता कि BC अगर है, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड EF होगी। डायग्राम से मैंने, मेरे को डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, सीधा वैल्यू पुट करनी है मुझे। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए स्क्वायर में लगा हुआ है, तो मैं 135 लिख लेता हूँ, इसका पॉइंट आकर के नीचे जीरो लगा लेता हूँ, 240 बना लेता हूँ, और इसका क्या लगा लेता हूँ, अंडर रूट लगा लेता हूँ। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 3.15, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, EF हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, EF हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना, 3.15 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, EF हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं इसको कट मारता हूं, तो मान लीजिए अगर मैंने कट किया इसको 8 से अगर कट कर लेते हैं, तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, अगर 3 से ही कट मारते हैं अगर हम, तो ये कितनी बार में चला गया आपका, 80, और अगर हमने इसको कट मारा, तो ये कितनी बार में चला गया आपका, 4,
यहां पे बचेगा एक, और ये कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना बच गया है आपके सामने, 80 बच गया, और उधर कितना बच गया, अगर हम देखें 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं कि भाई अगर इसको कट किया जाए, तो अगर मैंने इसको 9 से कट मारा तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 9 से तो कट हो नहीं सकता भाई, ये 45 लिखा हुआ है, और इधर कितना लगा हुआ है आपका 80 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 5 से कट मारता हूँ तो 5 9 हो जाएगा, और 5 से कट मारता हूँ तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 16, चला 16 16 में चला जाएगा। तो 9 का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा कि 3 हो जाएगा भाई, 16 का मतलब हो गया 4 आपका, इक्वल टू ये कितने के बराबर हो जाएगा 3.15, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ये 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आपको पता है 3 बार में 1 बार में चला ही जाएगा, और पॉइंट कितना बन जाएगा आपका 0.5, कितना बन जाएगा आपका 0.5। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, 4 5 कितना हो जाता है आपका 20 हो जाता है, और 4 1 कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, तो आपका आंसर जो आएगा 4.2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा भी कैलकुलेटिव नहीं, इतना टाइम कैलकुलेशन में खाली बस आपको नंबर कटपुट करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो कुछ नहीं करना था, बस खाली सीधा एरिया लिखा मैंने, देखिए आप ध्यान से यहाँ पे सीधा मैंने एरिया लिखा हुआ है, और एरिया के बाद मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सीधे साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से अगर आप ध्यान से देखें, फिर से वही क्वेश्चन लगाया, फिर से ट्रायंगल को बोल रखा है क्या भाई, कि यहाँ पर जो है वो दोनों के दोनों सिमिलर है, और ये दे रखा है ए बी दे रखा है, एसी दे रखा है, बोलता है क्या पी आर की लेंथ बताइए। सबसे पहले आपके सामने एरिया लिखा हुआ है, आप ऐसा करिए एरिया रखिए 144, और अपॉन में कितना हो जाएगा 49, 144 अपॉन में कितना हो जाएगा 49। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो स्क्वायर में आएगी, वो किसमें आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो स्क्वायर में आएगी। जरा ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पी आर की लेंथ पूछी गई है, अगर पी आर की लेंथ पूछी गई है इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड में ए सी आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड में क्या आएगा जी, ए सी आएगा। ए सी की लेंथ कितनी दे रखी है आप जरा ध्यान से देखिए, 9 दे रखी है, आप यहाँ पे 9 रखिए, और यहाँ पर क्या रख दीजिए, पी आर रख दीजिए, क्लियर हो गया मेरी बात। अगर देखिए ये स्क्वायर है तो अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 12 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 9/PR। अगर मैं इसको कट करूं तो 3 से कट गया 4 बार में, और 3 से कट गया ये 3 बार, अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 2 में कितना हो जाएगा 4, तो मेरा आंसर जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है जी, डी। मेरा जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, डी। बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस खाली जो वो कह रहा है बस उसके रिगार्डिंग काम करते जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि एबीसी बी स्क्वायर के बराबर है, अब ट्रायंगल का रेशियो देखिए 64 और 81 लिखा हुआ है, सीधा आप कितना लिखे 64 और 81 लिखे, ठीक है जी। अब देखिए पीटी की लेंथ दे रखी है, जरा ध्यान से देखिए पीटी यहाँ पे जो लिख रखा है क्या कि पीटी, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एडी और पीटी आर द मीडियंस, अभी मैंने आपको समझाया था एडी और क्या बता रखा है, मीडियंस बता रखा है, मतलब जो रेशियो आपका करेस्पॉन्डिंग लेंथ का होगा वही रेशियो किसका बन जाएगा आपका, जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, जो हमारे क्या हैं एल्टीट्यूड के, वो भी उसी के टाइम पे बराबर चल रहे हैं सारे के सारे आपके। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सोचता हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पीटी का मतलब हो जाएगा, अगर आपसे देखें तो एडी, आपने यहाँ पे जो ट्रेंगल रखा हुआ है वो एबीसी पहले रखा है, पहले आपने कौन सा रखा हुआ है एबीसी रखा हुआ है, तो यहां पर भी आपको पहले क्या रखना पड़ेगा, एबीसी रखना पड़ेगा। तो एबीसी में एडी जो है वो मैंने एक्स मान लिया, और ये लेंथ कितनी मेरे पास 10.8 है, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर अगर इधर जाता है तो हट जाता है, 64 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा जी 10.8 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें 9 से तो 9 1 9 और 9 2 जाए इतना 12, 8 जाए कितना होता है 96, 96 का मतलब 9.6, आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। बोलिए समझ में आ गई क्या मेरी बात, मीडियंस दिया हुआ है, याद रखिएगा जो मीडियन जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होता है वही मीडियन का रेशियो हो जाता है, तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ अगर स्क्वायर में है तो मीडियन भी स्क्वायर में चला जाएगा, जो मैंने आपको पहले से प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से देखिए एबीसी डी एफ, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्वेश्चन को, जब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कंसेप्ट क्या लग रहा है बार बार, 100 लिखा हुआ है 81 लिखा हुआ है, तो आपको पता है उधर स्क्वायर होगा, आप सीधा सीधा इसको क्या रखिए 10 रखिए और 9 रखिए, कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर स्क्वायर लगाने की। अब देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा पहले कौन से ट्रायंगल के बारे में उसने बात की हुई है, पहले इस बार एबीसी के बारे में बात की, और एबीसी के बारे में उसने पूछा हुआ है करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वर्ड याद रखेंगे एल्टीट्यूड मैंने लिखा हुआ था एल्टीट्यूड, यहाँ पर आपसे जो एल्टीट्यूड पूछा गया वो एबीसी का पूछा गया, मैंने एक्स मान लिया और अपॉन में कितना रख दिया 6.3, 9 से आपने काटा ये कितना हो गया 0.7, कट मारा आंसर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया सी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, 10 में 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये मैंने 10 और 9 कैसे लिखा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर लिखते हैं तो क्यों स्क्वायर लिखें, मुझे पता है कि वाली वैल्यू किसमें जाने वाली है, स्क्वायर रूट में जाने वाली है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन जरा ध्यान से देखें, फिर से एबीसी पी क्यू आर फिर से ट्रेंगल में देर बोल रहा है कि सिमिलर है, एरिया का रेशियो 4:9 है, अगर एरिया का रेशियो 4:9 है सीधा आप यहाँ पे कितना लिख लीजिए 2/3, कितना लिखिए आप सीधा 2/3, सीधा इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए,
देखिए किसके बारे में पूछा गया, पीआर के बारे में पूछा गया, पीआर के बारे में पूछा गया तो करस्पॉन्डिंग एसी होगा, एसी का मतलब एसी की वैल्यू कितनी होगी 12, और आप किससे पूछा किससे गया है पीआर के बारे में, 2 से काटा 6 बार में, 6 में 3 का मल्टीप्लाई 18, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे सीधा सीधा 6 थ्री कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन जरा ध्यान से फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर का रेशियो आपको दे दिया इस बार, किसका रेशियो दे दिया इस बार, पेरीमीटर का रेशियो दे दिया है 72 और 43.2, जरा ध्यान से देखें 72 और 43.2, ये आपको उसने किसका रेशियो दे दिया है, पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है भैया, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पॉइंट अगर मैं 0 लगा लूं क्या यहाँ पे, हाँ जी बोलिए, क्या मैं इसका हटा करके 0 लगा लूंगा, ठीक, अगर मैं इसको 4 से कट मारता हूं तो देखिए 4 1 4 हो जाएगा 0, और 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 से कट मार लेता हूं तो 4 1 कितना हो गया 4 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। 9 से अगर हम कट मारते हैं इसको, अगर हम 9 से इसको कट मार लें, देखिए देखिए क्योंकि होता क्या है ना कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स वीक होती है, अगर मैंने डायरेक्ट नंबर को काटना शुरू कर दिया तो थोड़ी हो सकता है उनको समझ में ना आए बात है, आपको जिस भी नंबर से इजी लगता है आप उस नंबर से कट करना शुरू करिए, जरूरी नहीं है क्योंकि भाई सबकी गणित और सबकी चीजें एक जैसे बराबर नहीं हो सकती, मैंने जैसे कट किया मेरे को भाई 9 से कट मारते तो ये 20 बार में चला जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा 20 में चला जाएगा, 9 से मैंने इसको कट मारा तो ये 1 हो जाएगा, और मुझे पता है कि 9 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब 20 और 12 मुझे दिख रहा है ये तो जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा मेरे को पता चल रहा है 3 बार में, लेकिन आपसे पूछा गया है एरिया का रेशियो, एरिया का मतलब मुझे इस वाली वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप मेरे से बोलोगे 2509 होता है, कितना बोलोगे 2509, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, अभी तक एरिया देकर के वैल्यू पूछ रहा था, इस बार पेरीमीटर देकर के वैल्यू आपसे पूछ लिया, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, 72 से उठाया 72 43.2 सॉल्व किया 5/3 5/3 ये हमारा क्या आया पेरीमीटर, आपसे एरिया पूछा होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन अगर ध्यान से देखें फिर से एरिया का रेशियो दिया हुआ है, 49 का मतलब कितना होता है जी 7 होता है, 4 का मतलब कितना हो जाए जी 2 होता है, नहीं किसके बारे में पूछा गया है जरा ध्यान से देखें, ईएफ के बारे में पूछा गया जी, अगर ईएफ के बारे में पूछा गया तो करस्पॉन्डिंग साइड एसी होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा गेम खेला हुआ है, एसी को बीच में रखा हुआ है, जरूर ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, एसी को बीच में रखा हुआ है, एसी कितनी दे रखी है आपको 14 दे रखा है जी, और ईएफ आपको चाहिए जी, इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर क्या ही देगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बस देखते ही क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, जब तक आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को तब तक टाइम लीजिए, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन लगा चुके हैं उसके बाद क्या करिए सीधा सीधा टाइम लगा दीजिए, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करिए, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4/9 है, फिर से क्वेश्चन देखें, फिर से दोनों सिमिलर है, 4/9 है, मतलब मेरे को 2/3 लिखना है, ठीक। अब जरा देखते हैं किसके बारे में पूछा है, पीक्यू के बारे में पूछा हुआ है, देखिए पीक्यू के बारे में पूछा तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पीसी होगी, अगर पीक्यू के बारे में पूछा है तो करेस्पॉन्डिंग साइड बीसी होगी, बीसी का मतलब कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा पीक्यू हो जाएगा, 2 से काटा 2 बार में, 2 में 3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, 6 कहां पर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, 6 कहां पर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, ठीक, इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क में करना है, और सभी लोगों को, ठीक, आप लोगों को एसएससी सीजीएल की कसम है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे आज, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे मैं आपको सीजीएल की, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं कितना फटाफट आप इस पर कमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, इसी चीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारी वीडियोस पे थोड़ी जो आप अपना कमेंट दे रहे हैं, जो आप व्यूज देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच।